शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सारा गांव सो गया है मुखिया जी, तमाम रास्तों पर सन्नाटा ही सन्नाटा है। ठीक है, लेकिन सुनो, बां के घर में बत्ती थी, वो घर में है क्या? खूब अंधेरा पड़ा। तो इसका मतलब यह हुआ कि बां के घर में नहीं है और लता वहां बिल्कुल अकेली है। मंगल ने बताया उसने बांके को बस में बैठते हुए देखा था। तो फिर क्या है, रास्ता बिल्कुल साफ है, जा। ये एक लाश है मुखिया, जो दूसरी लाश अपने कंधे पर उठाए हुए है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये दूसरी लाश अभी तक सांस ले रही है। हे भगवान, ये किसकी लाश लाए? ये वो देवी है जो हमारी खातिर मौत के हवन कुंड में कूद गई। साफ साफ बताओ ये लाश किसकी है और तुम इसे यहाँ क्यों लाए? यहाँ इसलिए लाया हूँ कि यमराज इसके कर्मों का हिसाब कर सके। तुम मुझे यमराज समझते हो? यमराज और तुम? नहीं नहीं, तुम्हें अभी तक वो ऊंची कुर्सी नहीं मिली। तुम यमराज के गुलाम हो, मामूली यमदूत। क्या कह रहे हो तुम, मैं कुछ नहीं समझा। समझोगे कैसे, अभी तो लाश मेरे कंधे पे है और इसका मुंह उस तरफ है। देखना चाहते हो कि किसकी लाश है ये? तो देखो। अब तुम हजार बार पुकारोगे तो भी पार्वती तुम्हें जवाब नहीं देगी। तो आसमान हिल जाएंगे तुम्हारी चीखों से, लेकिन ये होंठ फिर कभी नहीं खुलेंगे तुम्हें बापू पुकारने के लिए। मेरी बच्ची पार्वती, पार्वती, पार्वती। रो, जोर से रो। मुखिया, तुमने दूसरों के आंसुओं से अपनी खुशियों के हार पिरोए थे, इस बार सुई उल्टी चल के रोने लगे धाड़े मार मार के। रो, जरूर रो, इतना रो कि तुम्हारे आंसुओं का तालाब बन जाए जिसमें तुम्हारी बेटी पार्वती नहा सके, और उसके बाद बड़े दुलार से इसे शादी का लाल जोड़ा पहनाना।
और डोली में बिठाकर इसे अपने दूल्हे के घर भेज देना। बांके, मैं पहले ही घायल हो रहा हूँ और तुम उस पर और तीर चला रहे हो। मैं तीर नहीं चला रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने क्या किया है। तुम्हें रास्ते में कांटों का डर था, मगर तुमने कांटे नहीं हटाए, तुमने अपनी टांगे हट डाली। सोचा न चलोगे न कांटों का सामना करना पड़ेगा। तुम वो मूर्ख निकले मुखिया, जिससे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए अपने घर का दिया बुझा दिया। ठीक कहती हो बेटा, पारो का खून मैंने किया है। सच पूछो तो मैंने अपना खून कर लिया है, मैंने अपना खून कर लिया है। क्या कहा? बांके ने हमारे नाम पुलिस को नहीं बताया? न खुद बताया साहब, न चरणदास को बताने दी। उसने सोचा होगा कि अगर वो हमारे नाम पुलिस को बता देगा तो उसकी लाश का भी पता नहीं चलेगा। डर गया साला। मैं डरा नहीं कुत्ते, अगर तुझे पुलिस के हवाले कर देता तो तुझे तेरे पापों की सही सजा नहीं मिलती। याद है मैंने कहा था, जब भी तेरा हिसाब करूंगा बेहिसाब करूंगा। कमीने, आज वही करने आया। Thank you.
जगह ये कमीना जो हल में। नहीं नहीं बाकी नहीं, मुझे माफ कर दे बाकी, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। तुझे माफ नहीं किया जा सकता, तू वो राक्षस है जो सारी जिंदगी इंसानों का खून पीता रहा है। कौन? तो फिर मुझे सतर्पा तड़पा के मत मारो बांके, मेरी जान ही लेनी है तो एक ही झटके में ले ले। मौत सब दुखों का अंत होती है बेवकूफ, फिर कैसे तुझे जल्दी से मार दूं? घुटने दिलाकर और हाथ जला। किस बेरहमी से तूने बारों को मारा, उसकी पीड़ा और आखिरी सांस है आज इस जुआ की शकल में तेरे कंधे पे सवार है। चल कमीने चल, कमीने चल। ये वही खेदा कमीने जिस पे तूने मेरे बेकसूर बापू का खून बहाया था, आज उसी खून से मिली हुई है मिट्टी तेरा खून मांग रही है। आगे बढ़ हराम खोर, हराम खोर। अब सीख रहा है, उस वक्त तुझे मेरी माँ की चीखें नहीं सुनाई दी थी जब तूने उसके सिंदूर को इसे मिट्टी में मिला दिया था। आज वही सिंदूर तेरी मौत का पट्टा बनकर तेरे गले को दबा रहा है। खातिर इतने दिन तक रुक गया था, लेकिन जब इसने पारों को भी मार डाला तो वो वचन टूट गया। अब दुनिया की कोई भी ताकत इसकी जान लेने से नहीं रोक सकती। पहले मुझे चिता में बिठा ले, फिर इस कमीने की जान ले लेना। एक मर्द की विधवा होकर मैं जिंदगी गुजार सकती हूँ, पर एक खूनी बेटे की माँ बन के एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकती। तुझे अपना बदला इतना प्यारा है कि एक विधवा काफी नहीं है अगर मैं तेरे लिए दूसरे भी चाहिए हूँ बाबर आंसू बहाने के लिए। बाकी अगर इस पापी की मौत इसी मिट्टी में हुई जहाँ तुम्हारे पिता की मौत हुई थी तो ये उनको बहुत बड़ा अपमान होगा। तुम इसे पुलिस के हवाले कर दो बाकी, पुलिस के हवाले कर दो। नहीं बाकी, तुम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते, ना ही खून का हिसाब खुद कर सकते हो, वो अदालत का काम है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ठीक कहते हैं बेटा, पार्वती के खून के बारे में मुखिया ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुमने ये सब क्या कर दिया मुखिया? मैंने ठीक किया है बेटा, मैंने जुर्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अगर मैं पुलिस से सब कुछ ना कह देता तो तुम कत्ल जैसा भयानक जुर्म कर बैठते और उसी कतार में खड़े हो जाते जिसमें संग्राम सिंह जैसे जालिम और मुझ जैसे जालिमों के गुलाम खड़े हैं। बेटा, हमारे देश को हम जैसे कुत्तों की जरूरत नहीं है, जरूरत है तुम जैसे जवानों की जो अपने असूल के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। बेटा, अपनी जान को इस घटिया खून के लिए कुर्बान मत करो। बांके, मुखिया ठीक कहता है, मुझ जैसे जलील और कमीने इंसान को ऐसी खौफनाक सजा मिलनी चाहिए कि तमाम दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर रह जाए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, तू बाप बनने वाला है बेटा। ए बजर बच्चा।